कोरोना काल में जहां लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, तो वहीं राज्य सरकार के द्वारा बिजली के बिलों में राहत नहीं देने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने कोटा में निजी बिजली कंपनी की मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह कर अपनी मांग रखी। इसके बाद नयापुरा स्थित अम्बेडकर चौराहे से कलेक्ट्री पहुंचकर अपना विरोध जताया। भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का इस पर कहना है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी 3 माह के बिजली के बिलों में रियायत दी जानी चाहिए। हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पहले जल सत्याग्रह किया, अलग अलग तरीके से हमारी मांगे रखवा कर इस प्रदेश की सरकार को निवेदन करा कि ये वाकई बहुत संकट का और गंभीर विषय का मामला है, आप जनता को राहत दीजिए, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 3 माह के बिल में राहत दी है, लेकिन ये सरकार और केडीएल न सुनती है, गूंगे बेरे तरह की ये काम कर रही है, जनता इससे आजीज आ चुकी। आज हमने 50 डिग्री के लगभग यहाँ का तापमान है, वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी का आशीर्वाद लेके उनको नमन करके हमने सभी साथियों के साथ दंडवत यात्रा का प्रारंभ किया है और मैं बड़ी पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होने के बावजूद भी हम लोगों ने किए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंडवत यात्रा कितनी मुश्किल है, लेकिन हम आगे इसी तरह से अलग अलग तरह के आंदोलन जारी रखेंगे जब तक की सरकार हमारी मांगे नहीं माने। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।